जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं आज के दैनिक पंचांग के बारे में और आज के दिन और रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। आज दिनांक 3 जनवरी 2022, दिन सोमवार। सोमवार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का दिन माना गया है। आज जिनका भी जन्मदिन है उनको उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनका भी विवाह का सालगिरह है उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे YouTube चैनल पे आप जितने भी व्रत और कथा को सुनने वाले हैं तथा पंचांग को सुनने वाले हैं, आप सभी भक्तों के ऊपर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का कृपा सदैव बना रहे। सभी सदा स्वस्थ रहें और सदा खुशहाल रहें। आज पौष माह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि होगी रात्रि 8:33 तक। सूर्योदय सुबह 6:36 और सूर्यास्त शाम 5:11। चंद्रोदय यानी कि चंद्रमा उदित होंगे सुबह 7:08 पे और चंद्रास्त यानी कि चंद्रमा अस्त होंगे शाम 5:48 पे। सूर्य धनु राशि में रहेंगे और चंद्रमा भी धनु राशि में रहेंगे। यह हेमंत ऋतु है, अयन दक्षिणायन रहेगा। योग व्याघात योग रात्रि 1:24 तक। करण किमस्तुघ्न करण सुबह 10:17 तक, उसके बाद बालव करण। नक्षत्र की बात करें तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र दोपहर 1:34 तक, उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। दिशा शूल की बात करें तो आज सोमवार दिन होने के कारण आज के दिन दक्षिण पूर्व दिशा की यात्रा ना करें, यह लाभकारी नहीं होगा। अगर ज्यादा जरूरी हो घर से बाहर निकलना तो आज के दिन घर से दर्पण देखकर बाहर निकले। इससे पहले 5 कदम पीछे चले फिर अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़े। आज सोमवार का दिन है तो सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का पूजन करें तो लाभकारी होगा। भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं जो कि अपने भक्तों के ऊपर थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा बरसाते हैं। सोमवार के दिन जो भी सोमवार का व्रत करते हैं, 16 सोमवार का व्रत करते हैं, भगवान शिव अपना कृपा प्रदान करते हैं। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनका जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल चढ़ाएं, उनके ऊपर वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत चढ़ाएं, अक्षत चंदन पुष्प पुष्पों की माला अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ को बिलपत्र अति प्रिय है तो उन्हें 3 पत्तों वाला बिलपत्र चढ़ाएं। बिलपत्र पे राम का नाम लिख ले या नमः शिवाय लिख करके भगवान भोलेनाथ को बिलपत्र अर्पित करें। बिलपत्र चढ़ाते समय इस मंत्र का जप करें तो लाभकारी होता है। मंत्र ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिलपत्रम शिवार्पणम। इस मंत्र के द्वारा भगवान भोलेनाथ को बिलपत्र अर्पित करें तो बड़ा ही लाभकारी होगा। उसके बाद भगवान को भांग धतूरा चढ़ाएं, शमी पत्र चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार भगवान भोलेनाथ को नैवेद्य अर्पित करें, उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं, फिर भगवान की आरती करें। भगवान शिव का जब भी पूजन किया जाता है तो साथ में शिव परिवार का भी पूजन करना चाहिए। सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। भगवान गणेश विघ्न हरता है, सभी प्रकार के विघ्नों को हरने वाले हैं और किसी भी प्रकार के शुभ कार्य या मंगल कार्य में सबसे पहले भगवान गणेश का ही पूजन किया जाता है। तो भगवान गणेश का पूजन करें, स्मरण करें, फिर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती शिव परिवार का पूजन करें तो लाभकारी होगा। तो आइए जानते हैं आज के राहु काल समय के बारे में। राहु काल समय की बात करें तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। तो राहु काल का समय होगा सुबह 7:55 से सुबह 9:14 तक। गुली कालम समय होगा दोपहर 1:13 से दोपहर 2:32 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:32 से दोपहर 12:14 तक। अब आइए जानते हैं आज के दिन और रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। चौघड़िया 7 प्रकार की होती है, जिसमें से कि 4 शुभ चौघड़िया और 3 अशुभ चौघड़िया होती है। तो हम जानेंगे केवल आज के दिन और रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। तो सबसे पहले दिन की चौघड़िया जानते हैं, जो कि अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 6:36 से सुबह 7:55 तक। उसके बाद फिर शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त सुबह 9:15 से सुबह 10:34 तक। उसके बाद फिर चरणामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 1:13 से दोपहर 2:32 तक।
उसके बाद लाभ नामक शुभ चौघरिया मुहूर्त दोपहर 2:32 से 2:52 तक, उसके बाद फिर अमृत नामक शुभ चौघरिया मुहूर्त 2:52 से 5:11 तक। तो यह थी दिन की शुभ चौघरिया मुहूर्त। अब आइए जानते हैं रात्रि के शुभ चौघरिया मुहूर्त के बारे में। तो चर नामक शुभ चौघरिया मुहूर्त जो कि 5:12 से 6:52 तक, उसके बाद फिर लाभ नामक शुभ चौघरिया मुहूर्त रात्रि 10:13 से रात्रि 11:53 तक, उसके बाद फिर शुभ नामक चौघरिया मुहूर्त रात्रि 1:34 से रात्रि 3:14 तक, उसके बाद फिर अमृत नामक शुभ चौघरिया मुहूर्त रात्रि 3:14 से रात्रि 4:55 तक, उसके बाद फिर चर नामक शुभ चौघरिया मुहूर्त रात्रि 4:55 से सुबह के 6:36 तक। तो यह थी दिन और रात्रि की शुभ चौघरिया मुहूर्त। यह विक्रम संवत 2078 आनंद है और शक संवत 1943 प्लव। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।